भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2019 के बाद अतुलनीय विकास कार्यों को मंजूरी दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 2014 से 2019 के बीच जब उनका पहला कार्यकाल था उस कार्यकाल के दौरान भी उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र के हर गांव, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट तक विकास कार्यों की एक लंबी कड़ी जो है वो डॉक्टर साहब के प्रयासों से यहां शुरू हुई। चाहे वो सड़कों का निर्माण है, एक्सप्रेस हाईवेज हैं, चाहे बिजली का काम है, टनल्स हैं, रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, सीआरएफ के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया किस्म से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने विकास कार्यों को तेज गति से यहाँ बढ़ाया है। यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर कठुआ हीरानगर का क्षेत्र हो, रामनगर, उधमपुर, रियासी, गूल, अरनास, गुलाबगढ़, रामबन जिला हो, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, इंद्रवाल जैसे क्षेत्र हो, बनी, बिलावर, बसोली का क्षेत्र हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से आज हर जगह विकास कार्य चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के नाते से डॉक्टर साहब ने प्रयास किया और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर कराए। आज हमें इस बात की खुशी है कि जम्मू के अंदर एम्स, आईआईटी, आईआईएम, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवेज, शाहपुर कंडी जैसा मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उज जैसी परियोजनाएं जो 70 साल यहां की सरकारों ने पंजाब के साथ एग्रीमेंट नहीं होने दिया, वो काम तभी पूरा हुआ जब यहां गवर्नर रूल लगा और केंद्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब मिनिस्टर बने। आज चाहे बायोटेक पार्क्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हाई सेकेंडरीज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल हो, सड़क निर्माण के कार्य हों, रेलवे निर्माण के कार्य हों, ब्रिजेस हों, हर क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अतुलनीय कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में किया है।